अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, काफ़ी अरसे के बाद हम सवाल जवाब का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं और काफ़ी सारे आप दोस्तों के सवालात मौजूद हैं। हम कोशिश करेंगे कि आप दोस्तों के सवालों के जवाब दें। हमने एक वीडियो अपलोड की थी, तेजाबी गोल्ड सोना बनाने का आसान मजर तरीका, एसिड प्रूफ गोल्ड क्रिएट एट होम। तो इससे मुतलिक हमारे एक दोस्त का सवाल है, पूछते हैं कि सर जी नमस्कार, यू टोल्ड आल शिंगरिफ 20 ग्राम्स, काफूर 20 ग्राम्स, चांदी 10 ग्राम्स, पारा 20 ग्राम्स। आई विल फर्स्ट शिंगरिफ प्लस काफूर 6 ग्राम ईच प्लस चांदी 10 ग्राम प्लस पारा 6 ग्राम, बैलेंस शिंगरिफ 14 ग्राम प्लस काफूर 14 ग्राम्स 14 ग्राम पारा, हाउ शुड यूज, प्लीज कंप्लीट दिस वीडियो। तो इन भाई के कहने का मतलब है कि 14-14 ग्राम हम बराबर वजन अगर इन चीज़ों को, इन केमिकल्स को लें, तो क्या हम इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस सवाल का जवाब जानते हैं उस्ताद मोहतरम से। मेरे भाई, मैं आपका सवाल जो है ना वो समझ चुका हूँ। आप समझते हैं कि भाई मैं तजर्बे के बिना पर मैं थोड़ा थोड़ा ख़र्चा करूं। इसको एहतियात करनी है कि चांदी का पाउडर होना चाहिए और पहले जो है काफूर इसको पीस कर तेजाब शोरिया में, प्याले में तेजाब शोरिया डालें और उसमें काफूर डाल दें। आप घंटे के बाद देखेंगे ऊपर मक्खन की तरह ये जो तैर आएगा, वो आहिस्ता आहिस्ता करके तेजाब को खारिज करें और मक्खन निकाल कर उसे इस्तेमाल करें। बिल्कुल ये आप फार्मूला कर सकते हैं, लेकिन इसमें आग बिल्कुल थोड़ी होनी चाहिए। अगर आग ज़्यादा हो गई तो फिर आपका फार्मूला ख़राब हो जाएगा। बिल्कुल वो हमारे पास कहते हैं कि एक चोपी पा, यानी बिल्कुल आग ठंडी होनी चाहिए। लोहे की कढ़ाई जो है या लोहे का जो बर्तन रखा है आपने, उसको आग सिर्फ गर्म करती रहे, बिल्कुल आग ठंडी ठंडी होनी चाहिए। बिल्कुल आप अगर तेज़ आग देंगे तो फार्मूला ख़राब हो जाएगा। वे फार्मूला हमारा तजर्बा शुदा है, बिल्कुल कर सकते हैं आप, बिल्कुल बेफिक्र होकर करें, हमारा तजर्बा शुदा है अमल।